हेलो गाइस, मारे एडिटिंग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिट करके दिखाने वाला हूँ, 3D फ्रेम फ़ोटो एडिटिंग, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है। तो आज हम इसके ऊपर फ़ोटो एडिट करने वाले हैं। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको मैसेज का जरूर रिप्लाई करूँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना पिक्सआर्ट ओपन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जाके हमने एडिट में जाके यहाँ से हमने बैकग्राउंड पहले ले लेना है। वो बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से ऐड फ़ोटो में जाना है। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद ये फ्लावर का जो फ्रेम है इसको हमने अपने कुछ इस तरह ऐड करना है यहाँ पर। देन यहाँ से ओके कर देना है। फिर यहाँ से ऐड फोटो में जाना है। तो यहाँ से हमने मॉडल लेना है जो हमने अपनी फ़ोटो एडिट करनी है। तो यहाँ पे कुछ इसको इस तरह से ऐड करना है। इसको ऐसे ऐड करना है कि ये 3D टाइप में लगे। और यहाँ से इसकी कैपेसिटी कम करके यहाँ पे इरेजर में जाके इसको हमने इरेज कर लेना है। यहाँ से अच्छे से इरेज करना है। मेरी मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, पर आप लोग अच्छे से इरेज करना है ताकि पता ना लगे कि हाँ कि फ़ोटो ऐसे की हुई है, नेचुरल सी लगे। स्टेप बाय स्टेप सब रिरेज कर लेना है। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर ले। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी मैं कई सारे बढ़िया बढ़िया फ़ोटो एडिटिंग के पोजेस लाता रहता हूँ। अगर आप कहेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर लें। और इंस्टा आईडी का यूज़र नेम मेरा अनुवंश राय 2612 और नीचे स्पेस और डंडी वाली, और वहाँ जाके मुझे आप फॉलो करें। देन यहाँ से ओके वैसी कैपेसिटी फुल कर लेनी है। देन ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा 3D लुक आ रहा है कि ये लेडीज अंदर हैं। देन यहाँ से ओके कर लेना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो और कॉन्सेप्ट हम लाते रहते हैं। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।